उत्तराखंड एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने राष्ट्रीय नेतृत्व की संतुति पर 4 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मीडिया को जारी पत्र में उत्तराखंड एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग और बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में एनएसयूआई की ओर से 13 फरवरी को सचिवालय घेराव किया। कांग्रेस भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कांग्रेस भवन में कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चले। काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया था। इस बीच कांग्रेस भवन में प्रदेश स्तर के बड़े नेता भी मौजूद थे। इस घटना से पार्टी की किरकिरी भी हुई थी। जी ने बताई कि जो चिट्ठी आ जाती है दिल्ली से, एक ऐसे व्यक्ति को चिट्ठी जब दिल्ली से आती है जिसने हमेशा चाहे डीएम महाविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव हो, चाहे हमेशा संगठन के खिलाफ काम किया है, और संगठन की चिट्ठी आने से पहले भी हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने मेल के द्वारा और दिल्ली जाकर के हमने सब में हमने सूचना दी थी। लोग हैं आप किसी को आप परिषद सदस्य बना दीजिए, ऐसे व्यक्ति को परिषद सदस्य ना बनाए जिसने हमेशा संगठन के विरोध में कार्य किया है, और संगठन ने हम अपने हट के चलते कुछ के चलते उस ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड नेशनल का अध्यक्ष बना दिया है जो लगातार निरंतर कई छात्र चुनाव में जो विद्यार्थी परिषद के लिए काम करता आया है। हमने दिल्ली भेजी थी तब उस व्यक्ति को जब अध्यक्ष बनाया गया, और परसों जब 13 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी जब उत्तराखंड आए थे तो हम 250 किलोमीटर देहरादून से दूर है, वो देहरादून आते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ देहरादून आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उनको कोई सूचना नहीं दी जाती है। जब रात कि यार मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ बताते नहीं है, देहरादून के जिला अध्यक्ष जिनके जिले में कार्यक्रम हो रहा है उनको भी कोई सूचना नहीं दी जाती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के उत्तराखंड साया हमला। एक तो आपने पूरी कमेटी को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जिसके खिलाफ संपूर्ण एनएसयूआई थी, फिर उसके बाद हम लोग आपने ऐसा क्यों किया कि हमारे अध्यक्ष की हम बात रखने जाते हैं विरोध शांतिपूर्ण तरीके से, तब तक वहां से दूसरा पक्ष आकर के हमसे मारपीट करने लग जाता है। फिर हमारे राजनीतिक ने कल जो चिट्ठी जारी करी बिना हमसे कारण बताओगे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों वगैरह कुछ भी नहीं है, हमें संगठन से निकाल दिया है तो बहुत गलत तरीके से संगठन को चला रहे हैं। और मैं लोगों से मैं अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे सीनियर राहुल गांधी से हम इस संबंध में हम जरूर मिलेंगे, जरूर जरूर पहुंचाएंगे। देखो एनएसयूआई हमारा परिवार है, एनएसयूआई से हम लोगों का नाम आए, हम लोग एनएसयूआई से ही आज जा, हमारी एनएसयूआई से कोई नाराजगी नहीं है, पर एनएसयूआई को चलाने वाले जो लोग यहां पे संगठन के जो पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं, और हम एनएसयूआई में वापसी जाना चाहते हैं। हम एनएसयूआई मांग है कि हम लोगों को बिना कारण बताओ नोटिस के क्यों सस्पेंड किया, जो विरोधाभास कहीं ना कहीं जो है ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं, हाई कमान की बात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो